So for the next session, we have Dr. Rahila Sikandar. Dr. Rahila Sikandar, we are really sorry to keep you waiting. So can we have your video on now? Thank you so much, ma'am, for coming. So dear Hello, Dr. Shuchi. Yeah. Hello, everyone. And a very warm welcome to my session. And I was just waiting for my session and after this a long and very interesting one which we had earlier with Professor Balwinder Kaur. I'm really thankful to Forum for Democracy and Mata Sundari College for considering me and inviting me to this wonderful session with their students. And I'm Dr. Rahila Sikandar. Before going any further, I would like to introduce myself. And I am a practicing criminal lawyer in High Court of Adjudicature of Allahabad. So, a very good afternoon to all of you. The topic which I am going to discuss today with all the students is disaster, women, and law. Well, I had made a small PPT for all of you, but unfortunately, my laptop is not well. I can say the camera is not working. So I'm just going to explain it to you all that why during disasters, women need special protection. And what are the gray areas in our laws which for which the women have to face really tough times during disasters. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहूंगी कि क्या मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल कर सकती हूँ. डॉक्टर शुचि, इज इट परमिसिबल एट योर एंड? एक्चुअली ये हम प्रेफर मोड ऑफ इंटरेक्शन है कि हम बायलिंगुअल रहें, क्योंकि हमारे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट जुड़े हैं, कुछ मीडियम से हैं, कुछ हिंदी ऑनर्स से भी हैं. सो ये काफी कमेंडेबल रहेगा अगर आप दोनों. थैंक यू डॉक्टर शुचि. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि डिजास्टर्स क्या होते हैं या आपदा क्या होती है. डिजास्टर्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल और मैनमेड दोनों होते हैं. डिजास्टर्स यानी कि ऐसी आपदा जो किसी भी समय कहीं भी आ सकती है, राइट? तो इनके लिए किसी को बताना नहीं पड़ता है कि ये कब आएंगी या ये कब नहीं आएंगी. अगर हम यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन पर जाते हैं तो यूनाइटेड नेशन इसे सरल शब्दों में कहता है कि आपदा वो चीज है जब कोई कलामिटी, कोई मिस हैपनिंग या कोई ऐसी चीज जिससे पूरी ह्यूमन लाइफ, पूरी सोसाइटी डेंजर में आ जाए या एक काम करने का जो तरीका है उस पूरे तरीके पर कोई वार हो जाए. एक ऐसा वार जो प्राकृतिक और मैनमेड दोनों हो सकता है. प्राकृतिक में देखिए, हमारे यहाँ अभी 2014 में कश्मीर फ्लड्स आए थे, जो मैं बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल्स लेकर आपके साथ बात करना चाहूंगी. कश्मीर फ्लड्स हुए थे जिसमें बहुत ज्यादा तबाही हुई. हमारे यहाँ 2004 में सुनामी, हमारे यहाँ मतलब भारत में 2004 में वी हैड सुनामी, राइट? देन वी हैड उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स इन 2013. वो तो उसका नजारा तो कोई कभी नहीं भूल सकता, राइट? देन वी हैड गुजरात अर्थक्वेक इन 2001 व्हेन वी वर इन स्कूल्स ऑफ कोर्स. देन उन उड़ीसा, वहां पर तो हमेशा ही साइक्लोनिक तूफान और वगैरह आते रहते हैं. लाइक वी हैड सुपर साइक्लोन इन 1999 to 2013 वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम उड़ीसा, जो सबसे ज्यादा हिट एरिया है तूफानों से. फिर अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो हमारे हिमालयाज अभी भी बन रहे हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता रहता है. वी एट दिल्ली, हमें जेएनयू में व्हेन आई वाज अ स्कॉलर देयर, कुछ ना कुछ दिनों के बाद हमें झटके लगते रहते थे. देन वी केम टू नो कि ये हिमालयन या अरावली में चेंजेस की वजह से होते हैं. दिस इज ऑल आर कंसिडर्ड एज नेचुरल डिजास्टर्स. अगर हम मैनमेड डिजास्टर्स की बात करते हैं, देन वी हैड द भोपाल ट्रेजेडी जो 1986 में हुई थी, द भोपाल गैस लीक, यूनियन कार्बाइड केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो आपका केस था 1986 का. उसके बाद वी हैड अ वेरी रिसेंट केस इन आंध्र प्रदेश जहां पर गैस लीक होने की वजह से 3 महीने पहले 10 से 12 लोगों की मौतें हो गई इन दैट इंडस्ट्री. तो दीज आर स्मॉल एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर. अब इन चीजों से बचने के लिए हमारे पास लॉज क्या क्या है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, और विमेन, चिल्ड्रन, LGBTQIA, राइट, इन लोगों को लेकर चल सकते हैं, विच आर लाइक ट्रांसजेंडर्स, वुमेन एंड मेन विद चिल्ड्रन. नाउ ये जो कोविड आपका कोविड-19 हमारे देश में चल रहा है, ये भी एक एग्जांपल है डिजास्टर का. अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2005 विद 79 सेक्शंस एंड 11 चैप्टर्स, राइट? इसमें, इस एक्ट में सीधा सीधा डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है, दैट हाउ वी कैन मैनेज द डिजास्टर.
Whereas there is no section, I did not find any section which deals with the offenses, right, with the criminal acts, if they may be done by someone to a woman, to children, to man, or to any transgender. There is no specific mention of these people. So, as Balwinder ma'am says, when we talk about India, in Indian perspective, Article 14 hamara aa jata hai, equality before law. है ना, तो हम सबको एक नजर से देखते हैं. जब हम एक नजर से देखते हैं तो सिंपली हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे पास इक्वल लॉ होना चाहिए. हमारे पास इक्वल लॉ नहीं है. स्टिल वी आर फाइटिंग विद दीज क्रिमिनल ऑफेंसेस इन आईपीसी. आईपीसी तक जाने के लिए देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर विच वी हैव टू फॉलो. इन उत्तराखंड वेयर द डिजास्टर हैव हैपेंड, व्हेन द डिजास्टर I was as a team member of उस रिसर्च के दौरान हमें ये पता चला कि हमारे दूसरे आपके गढ़वाल के एरिया में आपका तूफान आया हुआ है, ऐसी या ऊपर से बर्फ गिर गई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर होता है. अब ऐसी कंडीशन में हम उन लोगों को कैसे सेव कर सकते थे, राइट? वी नीड अ प्रॉपर लॉ. उसी में सेक्सुअल हैरेसमेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही थी, उसी में वुमेन की वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी हो रही थी, नेपाल के जरिए उन्हें बाहर निकाला जा रहा था. एंड यू विल नॉट बिलीव, देयर वाज नॉट अ सिंगल एफआईआर रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन. वी वर वेरी कीन टू नो कि वो कौन सी औरतें हैं जिन्हें ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो कौन सी औरतें हैं, वो कौन से लोग हैं जिन्हें इतना परेशान किया जाता है. पीपल केम टू अस बट दे वर नॉट गोइंग टू द पुलिस. Right, so there was no registered FIR at that time in 2013. Then we also researched into the NCRB data. Now the National Crime Report Bureau mentions about the rape, mentions about the trafficking and everything related to the documents which they received in the form of FIRs from different police stations and from different states. They produce a general data of different states, whatever which we have as in Union of India, right? But in those cases where FIRs are not being registered, then in that case, what a woman, what a helpless child, and what a transgender can do. So this is the gray area which I'm going to talk about in today's session, right? Now, whenever any disaster happened, women and children are the first responders. Now, this is the report which UN says. UN specifically mentions that women who stays at home, who works at the fields, they are the first responders. They understand and they are always with their children at the fields, right? वो field में होते हैं, उन्हें पता चल जाता है वो कैसे अपने आप को save करें जब कोई भी disaster आता है. इसकी कोई proper training कुछ भी हमारे यहाँ India में नहीं दी जाती है. NIDM is taking their steps. They are providing training to professionals. Whereas वो लोग जो rural areas में रहते हैं, जो ऐसे areas में रहते हैं जो which are far flung from the mainland, उनके साथ इतना भेदभाव क्यों होता है when we are in India, right? उनके साथ भेदभाव क्यों होता है अगर हमारे यहाँ decentralization की बात होती है, अगर हमारे laws पूरी तरीके से grassroots level पर हमारी policies जा रही हैं, तो उन्हें वो चीजें क्यों मिलती हैं? इनका जवाब हमारी research में ये आता है, उनके पास proper training नहीं. लोकल गवर्नेंस पे, ग्रास रूट लेवल पे ट्रेनिंग की कमी होने की वजह से ऐसे एरियाज में जब भी सुनामी, जब भी अर्थक्वेक्स या कोई ऐसा डिजास्टर आता है जिसमें लोग अपने आप को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता है वेयर टू गो, वो इसी वजह से होता है, बिकॉज दे लैक द ट्रेनिंग थिंग. सो गवर्नमेंट में कोई ऐसा लॉ ही नहीं है, कुछ ऐसी this is a grey area जो specifically आपको forward कर देता है towards the IPC. अब IPC का deal करने का मतलब है कि पूरा का पूरा procedure आपको follow करना पड़ता है. If any sexual harassment, if any criminal offence has been taken place with a woman or a children or a transgender, they need to register an FIR or they can go with the magistrate through the court procedure, right? उसके बाद पूरा एक procedure follow कर तब आपके ऊपर चार्ज, तब जिसने किया है वो ऑफेंस उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं. एंड देन द प्रोसीजर स्टार्ट्स, व्हिच इज ऑफ कोर्स अ वेरी 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 लेंथी प्रोसीजर. इट्स अ रिगरस प्रोसीजर. अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अ विक्टिम ऑफ डिजास्टर, उसको डबल मार पड़ती है, वो प्रोसीजर की तरफ से मार खाता है. इसलिए मेरा जो कहना है इस आपके सेशन में, आपको बस ये समझाना है
that we need a proper law for disasters management, right? Sirf disaster ko management karne ke liye public policies ki zarurat nahi hai. We need a disaster management act. Like incidents like rapes, human trafficking, they are very common in during disasters. And there's a lot of happens where minor girls are being trafficked. So in sab ko deal karne ke liye, we have IPC. Every and every time, whenever we talk up to a jurist, he always says IPC is there. IPC is there to take care of. Now, when IPC is there, then why it's not applicable when a disaster happens, right? ऐसी condition में अब हमारे यहाँ, for example, आप COVID ले लीजिए. जब COVID आया, 3 महीने के लिए there was a complete lockdown. 4 महीने के लिए अभी भी बहुत जगहों पर lockdown चल रहा है. है ना? Guidelines are still coming. अब ऐसे lockdown में the domestic violence has increased. You can look into the National Commission of Women's website, which specifically mentions the amount of domestic violence has increased, and women did not know where to go. Sare log ghar pe hain, which naturally increases the workload of a woman at home. Wo ghar pe hai, usse 24 ghante wo hi kaam karna pad raha hai jo wo kar rahi thi. She cannot go out. She cannot meet her friends. She cannot meet her parents. ना, उसकी एक सोशल अंडरस्टैंडिंग, एक सोशल जो उसका एक दायरा था वो खत्म सा हो जाता है. वो उसी घर में रह जाती है. एंड देन दी वायलेंस अकर. देयर वर लॉट ऑफ मैटर्स व्हिच आर रजिस्टर्ड फॉर डिवोर्स बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. द कपल दे स्टे टुगेदर एंड दे फाइट. ये सिर्फ इंडिया की रिपोर्ट नहीं, ऐसा जापान में, कोरिया में, चाइना में भी बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स है विच आर ऑफ कोर्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट विच यू कैन सिंपली क्लिक एंड चेक दैट आउट. उसमें ये चीजें हैं. इनफैक्ट यहाँ पर भी द केसेस विच आई प्रैक्टिकली डील विद इन हाई कोर्ट, मोस्ट ऑफ देम आर नाउ कमिंग फ्रॉम द कोविड टाइम. जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनको मेंशन करना बहुत मुश्किल. सेकेंडली मैरिटल रेप्स. मैरिटल रेप्स के भी बहुत सारे केसेस आते हैं बट इन आईपीसी मैरिटल रेप इज मेंशन नोट है, राइट? इंडिया में मैरिटल रेप्स को मेंशन नहीं किया गया है आईपीसी में, जिसकी वजह से उसको एंटरटेन नहीं किया जाता. उसके लिए ड्यूरिंग डिजास्टर्स जो भी वायलेंस हुआ वुमेन के साथ, मैरिड वुमेन के साथ, उसको डील करने के लिए ये दूसरे तरीकों से आते हैं. ये दूसरी कंप्लेन्ट्स करते हैं, ये उन सेक्शंस पे जाते हैं विच आर अवेलेबल ऑन आईपीसी. But specifically, there is no mention. In Disaster Management Act also, Section 10, Chapter 10 deals with the offense and penalties, but there is no mention of any criminal offense which deals with women. I'm mentioning this again and again, with women, children, and transgenders, right? Now, during this COVID times, it is not an easy situation for a woman who has been occupied at home or at such a situation to deal with, jahan par bilkul lawlessness hi nahi hai. People ab bahut si aurte hain who went to police stations, who went to lawyers for help. Lawyers helped them through different procedures, but police did not help them. They simply say ki aap ghar pe rahiye, aur there is no laws mentioned ki hum aapki FIR likh sakte hain. So the incidents of rapes and trafficking bahut bahut bade paimane par hui, jiska koi mention nahi hai, jiske liye sirf log interviews dekar apni baatein batakar ye mention karte hain ki unke sath aisa hua. But ye main un logon ki baat kar rahi hu jo phir bhi apni baat keh pa rahe hain. But there are many women and many children जो अपनी बात ही नहीं कह पाते. वो खामोशी से जहां उन्हें ट्रैफिक किया गया वो ट्रैफिक्ड हो गए. When we asked police regarding this trafficking in through Nepal, जो नेपाल में ड्यूरिंग उत्तराखंड के हुई, तो उन्होंने कहा इट्स अ रेगुलर कोर्स और यहाँ से ट्रैफिकिंग होती है, which means for them it is a very general course. बहुत आसानी से उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ा दिया कि ये यहाँ पे होता रहता है. इसका कोई FIR रजिस्टर नहीं हुआ, अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया. नाउ इसको सपोर्ट, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए आई वुड लाइक टू मेंशन वेबसाइट पर इन 2013 के अगर आप डेटा में देखोगे तो यू विल फाइंड वेरियस न्यूज़पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू में भी है, देन यू हैव इन द टेलीग्राफ. बहुत सी रिपोर्ट्स हैं 2013 की जिसमें साफ साफ ही मेंशन किया जाता है दैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग फ्रॉम नेपाल साइड इज वेरी मच पॉसिबल और वहां पर इजिली ये उत्तराखंड से निकाल देते हैं और कोई FIR नहीं होती है. तो ये आपको इसका डेटा वेबसाइट पर मिल जाएगा. नाउ अभी जैसे मैंने बात करी मैरिटल रेप्स की और डिफरेंट वायलेंस की जो वुमेन के साथ हुआ ड्यूरिंग डिजास्टर, इसको डील करने के लिए आईपीसी है. अपार्ट फ्रॉम आईपीसी वी हैव डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वी हैव डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, राइट?
जिसमें विमेन जाकर उनके साथ हुए अत्याचारों को और अन्याय को आराम से मेंशन करा सकते हैं. बट द अनदर पॉइंट व्हिच रेजेस हियर इज उनकी रिपोर्ट्स नहीं लिखी जाती, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती. ऐसी कंडीशन में विमेन को क्या करना चाहिए? नाउ ऑल द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने एक वेबसाइट हर स्टेट के हिसाब से बना रखी है, जिस पर जाकर आप ऑनलाइन अपनी एफआईआर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो. उससे आपको रिप्लाई आएगा, राइट. द अनदर पॉइंट इज आप ऐसी कंडीशन में, व्हेन यू आर स्टक इन अ डिजास्टर और नॉट इन डिजास्टर, इन बोथ द सिचुएशंस, व्हेन यू आर स्टक एंड यू डू नॉट हैव एनी अदर वे टू रीच पुलिस और टू गो टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यू कैन सिंपली सी अ लॉयर और वो थ्रू कोर्ट्स आपकी एफआईआर मेंशन करा देगा, राइट. आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो, अंडर ग्रेजुएट्स हो, यू शुड नो दिस एंड यू शुड स्प्रेड दिस अमंग योर फ्रेंड्स एंड इन योर फैमिली. किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो वो उस चीज को मेंशन करें. इसके पहले इस सेशन में बलविंदर कौर मैडम ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की आपके वर्क प्लेस पे, तो इस पे विशाखा गाइडलाइंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मेंशन कर चुका है इन 2013 अमेंडमेंट के साथ. आप उसको भी पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा हाउ टू डील विद इट, राइट. यू हैव थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आप सभी को थोड़ा सा पढ़ेंगे यू विल गेट ऑल द क्लैरिटी. ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रीएम्बल में बिल्कुल साफ मेंशन है इन आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो आप कभी भी अगर ट्रांसजेंडर के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट कुछ भी ऐसा हो रहा है जहां पर उन्हें लगता है उन्हें गलत हो रहा है, तो वो डायरेक्टली रीच कर सकते हैं टू द पुलिस और थ्रू द लॉयर टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जिसके थ्रू आपकी एफआईआर या मैजिस्ट्रेट के थ्रू आपको ईजी पैसेज मिल जाता है टू एंटर इन टू द प्रोसीजर ऑफ जस्टिस. नाउ इन केस ऑफ डिजास्टर्स, जहां पर बहुत ज्यादा इंसान ऑलरेडी परेशान होता है और उसके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका होता है, हाउ कैन वी गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लॉ मैनेजमेंट, जब हमारे कंट्री में इसको डील करने के लिए लॉ ही नहीं. ऐसी कंडीशन में आप जो भी लॉज आईपीसी में अवेलेबल हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, किडनैपिंग के, ट्रैफिकिंग के और वो सारे रेप्स के, मैरिटल रेप नहीं है ऑफकोर्स, जितने भी लॉज अवेलेबल है आप इनके थ्रू डायरेक्टली जा सकते हैं एंड यू कैन सिंपली रजिस्टर योर कंप्लेंट ऑन इट. उन लोगों के लिए जो बहुत दूर फायर फ्लंग एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट में, दूर कहीं नॉर्थ में या साउथ इंडिया में या इन और इन द सेंट्रल इन इन रिमोट एरियाज जो रहते हैं, उनके लिए सख्त और सख्त जरूरत है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, राइट. आप लोग अपने, अगर आप में से कोई भी एनजीओ से या किसी भी ऐसी चीज से जुड़ा हुआ है या किसी भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, इट इज माय रिक्वेस्ट टू इन्फॉर्म ऑल दोज वुमेन जो एक ग्रास रूट लेवल पे हैं, टू इन्फॉर्म देम कि वो किस तरीके से अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं. अगर मैं यूपी की बात करूं तो वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट हियर बहराइच, इट इज वेरी मच एडजेसेंट टू लखनऊ, लखनऊ के बहुत पास में है एंड इट इज वेरी मच नियर टू नेपाल. बहराइच के बाद वी हैव अ बॉर्डर, उसके बाद हमारा नेपाल आ जाता है. बहराइच में एवरी ईयर वी हैव फ्लड्स एवरी ईयर, और वहां द सिचुएशन इज सेम लाइक इन बिहार, जब कोसी में पानी, कोसी रिवर उफान पर होती है तो जिस तरीके से बिहार परेशान होता है, वैसे ही यूपी ईस्ट का ये पार्ट परेशान होता है. ऐसी कंडीशन में बहुत और बहुत ज्यादा अपराध होते हैं. उन अपराधों को सभी को पता होता है कि वहां अपराध हो रहे हैं, बट उन अपराधों की जब तक कंप्लेंट नहीं होगी, जब तक लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, जुडिशियल प्रोसेस में नहीं आएंगे, उन्हें ये बात बिल्कुल पता नहीं चलेगी कि उन्हें अपने जस्टिस के लिए लड़ना कैसे, राइट. इसके साथ मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि सेक्शन 125, व्हिच इज अ मेंटेनेंस एक्ट, व्हिच इज लाइक इफ यू इफ अ पर्सन इज इफ अ वाइफ इज लिविंग सेपरेटली और इन द सेम हाउस, उससे मेंटेनेंस की गाइडलाइंस, आई वुड लाइक टू मेंशन that on Monday, 2-3 days before, the Honorable Supreme Court of India with Justice Indu Malhotra and Justice S.N. Reddy, इन्होंने maintenance पर नई guidelines issue करी है. Supreme Court ने नई guidelines लेके आया है, इसके चलते now the men have to pay the amount of maintenance from the date जिस दिन से complaint file होती है, राइट. सो वी नीड टू अवेयर ईच एंड एवरी वुमेन अबाउट इट, सभी औरतों को ये पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर राइट्स टू रीच द करेक्ट जुडिशियल प्रोसेस इफ दे आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, राइट.
तो ऐसी कंडीशन में women already is been treated as a second sex or and the transgenders also are treated as the another sex in certain conditions we should be aware about our rights right yeah और अगर ऐसा होता है कि इतनी खराब कंडीशंस में रेप्स या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो उन्हें अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख दे उनके साथ होता है तो दे नीड टू बी रजिस्टर्ड राइट. सो इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मैं शुचि डॉक्टर शुचि से कहूंगी कि वो क्वेश्चन के लिए अगर चाहें तो बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं. डॉक्टर शुचि यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड टू मच मैम एंड आई थिंक अमित जी विल कैरी फॉरवर्ड विद द कोऑर्डिनेशन. Amit, over to you, sir. Thank you so much, ma'am. So we have a question from Ms. Sonam Kanda. Ms. Sonam, kindly unmute yourself and ask your question to ma'am. Actually, ma'am, my question has already been addressed. All right. Thank you, Sonam. We have another participant, Ms. Latika Kausik. Ms. Latika, kindly unmute yourself and do ask your question. Good evening, ma'am. Ma'am, my question is कि जैसा आपने बताया था कि 2017 में जब disaster के time पे एक भी FIR register नहीं की गई थी तो 2013 in Uttarakhand tragedy. ओके मैम. तो मैम क्या आप ये सोचते हैं कि ये जो कमी है ये हमारे पुलिस व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेशन में है तो इसके लिए क्या स्टेप होने चाहिए इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए? इसके लिए मैंने आपको बताया अभी लतिका कि अगर पुलिस आपकी रजिस्टर नहीं करती है FIR ऐसी कंडीशन में आपके पास हर स्टेट ने हर यूटी ने इन ऑल ओवर द यूनियन ऑफ इंडिया एक वेबसाइट है टू लॉन्च टू रजिस्टर योर FIR ऑनलाइन. दिल्ली में भी यूपी आप जैसे गूगल में टाइप करोगे यू विल फाइंड सम वेबसाइट देयर लाइक इन यूपी एज करेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन अलाहाबाद सो आई एम इन यूपी राइट नाउ वी हैव अ cctn.up.nic.in वेबसाइट और उसमें आप अपना लॉग इन अकाउंट बनाकर रजिस्टर कर अपनी कंप्लेंट वहां पर आप दाखिल कर सकते हैं रजिस्टर कर सकते हैं एंड दैट कंप्लेंट विल डायरेक्टली गो टू द लखनऊ हेडक्वार्टर्स और वो वहां से डील होगी एंड द कंसर्न पुलिस station will take cognizance of the matter as soon as possible. The limitation date is 7 days, but somehow or the other they take 7 to 10 days, but your report will be registered. And secondly, agar aapko isse bhi lagta hai ki your query is not being treated well, then in that case you can of course reach a lawyer who can take you through court to register your FIR. There are different sections which are available in CRPC and they will take care of this. So there is no such issue. Police reforms वगैरह होते रहते हैं वो training and it's a very lengthy process. But अगर ऐसी condition में जब किसी के साथ ये घटना घट चुकी है he want a quick remedy, right? उसको तुरंत चाहिए remedy. उसको अपने grievance का redressal quick चाहिए वो इतने दिन तक wait नहीं कर पाएगा and we have a very rigorous process as we all know. So to for the mentioning or registering of the FIR it is always advisable, suggested. To reach a lawyer in case police is not listening to you or to make your complaint registered through government's website, right? Thank you so much, ma'am. Since you have raised the question on the first information report and it pertains to my area of expertise, so like, you know, in addition to your observation, I would like to submit certain important things. Like, you know, sure. When we talk about the first information report, like, you know, we have the mandate of section 154 of the Code of Criminal Procedure. Of right. course. Now, if you refer to the first information report, we have only cognizable offense, right? Because like, you know, if you refer to the offenses, we have the cognizable and non-cognizable offenses, right? Sure. So the first information report is only registrable in reference to cognizable offenses. Right. And apart from that, like, you know, let me give you a very important observation. There is an important decision of the Supreme Court of India, Lalita Kumari versus State of Uttar Pradesh. And this matter was decided by the Constitution Bench, 5 judges Constitution Bench in the year 2014, where the Supreme Court has held that when there is an information disclosing the commission of a cognizable offense is made out, officer in charge of the police station has no other option but to register the FIR. So like, you know, registration of an FIR is compulsory now. Now, in addition to that, since we have been discussing about, you know, issues pertaining to women, you need to understand that we have the Criminal Law Amendment Act of 2013. So if you refer and in 18.
इंडियन पीनल कोड there is an amendment under the section 154 where it has been stated that like you know in respect of the offenses concerning under section 354 354a 354b 354c 354d 376 376a so and so forth there is an obligation on the part of the officer in charge of the police station to register an FIR now what will happen if they do not register the FIR If they do not register the FIR, there is a penal consequences. Then you have to refer to section 166 of the Indian Penal Code. So you, like you know, as far as the first information report is concerned, you have a very strong mechanism in India, right? And moving further, like you know, what is the remedy available in case your, like you know, your dispute is. Can we take the questions first and then I would like to raise my point. So I am been practicing here and I've seen daily cases in this matter. The police, I know that there are many strict laws regarding this FIR 1 section 154. However, the thing which is in practice is police did not mention FIR, and I would like to refer my case only when they did not know that I am a lawyer practicing in here in High Court and Supreme Court of India. Of course, they did not know this. They were not ready to mention my FIR also, right? So I have to make them understand that I am practicing lawyer, criminal side, and then they wrote my FIR. Otherwise, the SHO of a concerned thana was not ready to mention my FIR. He was not ready to register. This is the fact. So we should go practically also. Everything didn't. Jo bhi hum dekhte hain, we cannot go always on a theoretical terms. We have a very good laws in India. We have the best laws in India. Yeah. But at the grassroots level, what are we practicing? So I, as a criminal lawyer, is seeing this thing on a daily basis. On a daily basis, we used to go to the thana. We used to tell them, write our FIR. We go to the SSP, which is a medium way, of course. Or we go to the 156. We go through 156 fee. हम जाते हैं उससे सीआरपीसी से क्योंकि ये मेंशन करने को राजी नहीं होते सो वी हैव वेरी गुड लॉज इन 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 बुक्स ऑफ कोर्स इन थ्योरी ऑफ कोर्स बट इन प्रैक्टिकलिटी इट इज वेरी मच डिफिकल्ट सेकेंडली आई वुड लाइक टू मेंशन हियर अभी टू थ्री इट इज अ मैटर ऑफ टू थ्री डेज बैक पुलिस हैज नॉट मेंशन एन FIR ऑफ अ वुमन शी इज अ रेप विक्टिम इन फूलपुर हियर इन अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ओनली फूलपुर इज इन अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उसका लिखने को तैयार नहीं थे आफ्टर सिक्स मंथ्स द एफआईआर हैज बीन मेंशन्ड कोर्ट हैज टुक द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड द एसएसपी द एसएचओ एंड द सीओ वर द पार्टीज इन दैट मैटर एंड सेकेंडली द पूल द विक्टिम शी केम टू द हाई कोर्ट दो वी हैव लॉ दैट द विक्टिम कुड नॉट कम टू द हाई कोर्ट और इन फ्रंट ऑफ एनीवन ओनली फीमेल लॉयर्स एंड इन फ्रंट ऑफ ओनली फीमेल पुलिस ऑफिसर शी विल बी देयर बट हाई कोर्ट कॉल्ड हर और ऐसी कंडीशन में द एसओ वाज सस्पेंडेड He did not wrote his her FIR for the last 6 months. Now what will you say? So the practicality which we are facing day to day is entirely different from what we read in our books, what we read in our LLBs, what we read in our LLMs, what we do in our research. No, very true, ma'am. I agree with you. I am in concurrence with you. Like, you know, but it is entirely different. We cannot help it. Police do whatever they feel like. उसके साथ जिसके साथ हुआ है वो already she is broke out. सबको पता चल चुका है उसका फ्यूचर डार्क है नो वन इज रेडी टू एक्सेप्ट हर नॉट इवन हिज हर फैमिली ऐसी कंडीशन में वेरी ट्रू मैम बट द पॉइंट इज दैट कि इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू यू नो टू राइट यू नो टू टू टेक इन चार्ज ऑफ द थिंग्स ऑफ कोर्स या कोऑर्डिनेटर वी हैव स्टूडेंट्स वेटिंग एंड वी यस ओके या सो लाइक यू नो वी अंडरस्टैंड वी डू अंडरस्टैंड या सो स्टूडेंट्स गिव एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद आवर रिसोर्स सो मिस अनन्या काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड डू आस्क योर क्वेश्चन मिस अनन्या Good afternoon, ma'am. Thank you for the lecture. And just as you mentioned, the alimony judgment, I also read that, not the full judgment, but the article, that also mentioned that able-bodied and qualified person shall give the alimony to the wife, deserted alimony wife. Alimony or maintenance? We are talking about maintenance. Hello? Of course, section 125 CRPC, right? And that mentioned two words, able-bodied and qualified man. Able-bodied and qualified man.
Like these two are the only person who are subjected to give the alimony to the deserted wife or the children. So don't you think that this word qualified exempts many men who are not qualified but are doing domestic violence? Qualification means what? In which term you are referring this qualification as? Financially qualified, educationally qualified, so that, particularly kya jana cha rahe hain? That judgment Rajneesh wrote that only Neha, those men... Rajneesh versus Neha? That's one. So it mentioned that should mention that able-bodied and qualified men are going to give the alimony, like not the one who are not qualified. So I didn't understand that. Is it mentioning the educational qualifications no. or is it mentioning the financial qualification? Neha, see, there are certain, there are many people jo apni wife ko maintain karne ke liye paisa nahi dena chahte. This is a fact. Unhe ye lagta hai ki when they are not staying with us, when she is not taking care of their household things or whatever, or they have someone else in their lives, of course, ye bhi har din hota hai. So, ऐसी कंडीशन में दे आर नॉट लाइबल, वो अलग रह रही है, सो वी शुड नॉट पे देम, विच इज नॉट करेक्ट. सो ऐसी कंडीशन में दोज हु आर फाइनेंशियली एबल्ड, दोज हु कैन मेंटेन हर एज वेल एज द पेरेंट्स एज वेल एज ऑल दोज हु कम्स अंडर द बाउंड्री ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी, उन सबको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एबल्ड मैन की है हु इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. राइट, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मतलब आप इतना कर सकते हो कि आप अपना अपनी वाइफ का जो स्टेटस आप मेंटेन करते हो वो ही आपको उसको मेंटेन करवाना होगा. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जो मेंटेन आप करते हो स्टेटस एज अ हस्बैंड वो ही आपको अपनी वाइफ को मेंटेन करवाना हो. This is the point which is, I think you are asking about. And one more thing regarding that judgment said that give the alimony right from the date of filing the sheet. Yes. So, I didn't understand that from when, like, if I filed it today, so shall I start getting it from today only or after I win the case or something like that? See, the judgment is completely undisputed and it is very clear. Jis din se, to jis din se aap file karte hain, usi din se aapke upar charges banna shuru ho jate hain. समझ लो आप जिस दिन से. जजमेंट इज वेरी क्लियर अबाउट इट. आप एक बार और उसे पढ़ लें, यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन इट. पार्ट बी में गाइडलाइंस दी हुई हैं. अब पार्ट वन में रजनीश का केस पूरा डिस्कस किया हुआ है, राइट? तो हाँ, आई वुड लाइक, माय पॉइंट इज आप पार्ट बी पढ़ें जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. केस लॉस तो चेंज होते रहते हैं बट द गाइडलाइंस विल कंटिन्यू. तो ये आपका पार्ट बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ें. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot for elaborate observation. Now we have another participant, Miss Tanya. I request Miss Tanya, kindly unmute yourself and please do ask your question to ma'am. I think Tanya. Miss Tanya. She's not audible. You may read Tanya's question. Okay. So Tanya. Last question. Ayla ma'am, you can take up Tanya's question, which is the last one in the chat box. Ma'am, no, if there is, she is asking if there is a situation that a woman is not allowed to go outside and also she can't use online mode for filing first information report, then what is the other option for her? वो बाहर नहीं निकल सकती है और वो ऑनलाइन मोड भी यूज नहीं कर सकती है. ऐसी कंडीशन में मुझे जहां तक याद आता है और जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मेरी प्रैक्टिस है, मुझे लगता नहीं है ऐसे कंडीशन में लॉ आपकी हेल्प यहाँ पर कर पाएगा. यहाँ पर आपको ही कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू टेल समवन और वो आपकी तरफ से जाके कंप्लेन करे, और यू कैन राइट अ लेटर और अ कंप्लेंट एंड गिव इट टू समवन, वो पुलिस स्टेशन में जाके दे दे. ऐसी कंडीशंस में या तो आप लॉ आपको हेल्प कर सकता है, बट आप घर में हैं और बिल्कुल बंद चार दीवारी में हैं, ऐसी कंडीशन में तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा. थैंक यू सो मच मैम. ऐसा कोई केस भी नहीं आया है मेरी नजर में, ऐसा कोई केस आया नहीं है जिसमें वुमेन घर में बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में है एंड शी मेड अ कंप्लेंट फ्रॉम दैट प्लेस. आई डिड नॉट गो गेट थ्रू एनी ऑफ द केस. आई डू नॉट रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट इट. Thank you so much, ma'am. So you are absolutely right in your observation. Like, you know, she is required to write a letter, but like, you know, there is a provision under section 154 itself, subsection 3, that it says that. Section 3. Like,
Sir, I think you have muted your mic. I cannot hear you. I think your mic is muted. No, ma'am, it's okay. Like, you know, it's a kind of an observation in the context of section 154 itself. So, we have Ramita's question. Amit, your internet is in unstable. Ramita has raised hand. Can we have Ramita's question? And then we'll be in a position to take one last question. Good afternoon, Dr. Rahila. Good afternoon. Okay, so as you said that even though we have a very rock solid laws, but on the ground level, what we practice is really different from what we have written in our constitution. No, not in constitution. Not Sorry. In constitution. In our laws. I'm talking about procedure. Procedures, right. So even though the police is has to take the FIR, but sometimes due to influence, they refuse to do so. Or even if a woman is complaining, they sometimes team up with the abuser, and under the influence of money, they sometimes change the whole course of the situation. So what is the remedy we can take in this place? Well, in that case, you have hello. Yes, ma'am. Then in that case, Ramita, you, I have already mentioned answered this question earlier. Isme aapke paas do remedy bachti hai, jo ek to bilkul direct hai aur dusri jo jisko hum log midway karke follow karte hain. Aisi condition mein, when the concerned thana ne aapke samne wali party ke saath paise le liye hain ya uske influence se kafi wo uske samne wale se kafi influenced hai, aisi condition mein there is a midway. You can reach SSP, the superintendent or the senior superintendent of police or the superintendent of police. Now, this which what I'm telling you is not mentioned anywhere in CRPC, right? Aap inko jaake directly complain kar sakte ho ki ye concern thana hamare liye nahi kar raha hai kuch. You can give him in writing and he will take cognizance of the matter. In case isme bhi kuch nahi hota hai, then there is a section in CRPC, section 156.3, subclause 3. हाँ, उसके थ्रू आप डायरेक्टली लॉयर के साथ जाकर कोर्ट के थ्रू अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हो, राइट? ओके, थैंक यू डॉक्टर. आई जस्ट हर्ड दैट बट आई वाज नॉट श्योर. ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन इफ दैट्स फाइन. हाँ हाँ, दैट्स फाइन, आस्क. ओके, सो वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसओनिंग समवन इन आवर लीगल सिस्टम, बी इट अ सिबलिंग और बी इट अ पेरेंट. समवन लाइक हुम? अ पेरेंट और अ सिबलिंग, अ फैमिली मेंबर टू हुम वी बिकम लीगली ऑब्लिगेटेड. We don't have a concept of legally disowning someone here in India. Well, that depends upon the different personal laws which we have, right? We have different personal laws in India. So, it runs according to that. Okay, okay. Thank you, doctor. Okay, so Rahila ma'am, there's another question in the chat box. Would you like to read that and answer from me? Sure. Just give me a moment. Let me go through it. Or should I read it? Huh, it's better if you read it. Okay, so this is from Reet. Ma'am, if I claim that I was sexually harassed at the age of 15 and I couldn't do anything then, but now post 6 years, I want to file a complaint. So this is a hypothetical situation which she's trying to understand. Firstly, can I do that? And if I can do that, can I get covered under POCSO? Since at the time of the commission of crime, the victim was a minor. Well, yes, you can go through it. Aapki FIR mention kari jayegi, register ki jayegi, aap procedure mein aa jayenge. But still, there is a time limit. 6 years bahut hota hai kisi bhi complaint ko karne ke liye, right? But theek hai, agar aapke saath aisa hua hai aur aap usme us waqt minor the, तो अंडर दो सर्कमस्टेंसेस आपकी एफआईआर तो रजिस्टर कर ली जाएगी, आपका केस भी मेंशन हो जाएगा, बट दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल दैट वेदर यू विल बी ट्रीटेड एज अंडर पॉक्सो और नॉट, बिकॉज नाउ यू आर अ मेजर, राइट? यू आर 18 प्लस, सो बाय दैट टाइम आप छोटे थे, तो दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल. आपको पॉक्सो के अंडर करना तो चाहिए एज फार एज आई बिलीव, बट दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल. ये जब केस आपका जज के सामने जाएगा, देन then POCSO court will deal with it. Yeah? आप समझ रहे हैं ना, ये that is a matter of trial. वो उस वक्त जब आपका case register होगा, वो कहाँ जाता है, किस procedure में जाता है, whether the POCSO court will take up or not, that is a matter of trial. Okay, yeah, we have a response from Reet and she's thanking you for the answer. So we'll take one last question from Sonam. Sonam, can you unmute yourself and ask your question, please?
Sonam Kandar. No, ma'am. Ma'am, I have already asked. Already said that my question has been addressed. Okay, so what was your question? You may just repeat for others to understand. Yes, ma'am. My question was, ma'am, how can we deal with the issues of marital rapes? And is there any future of marital rape law? Well, marital rapes are not in IPC. They are not mentioned anywhere in IPC because marriage here in India is considered as a submission. Right. So there are many NGOs and many feminist organizations and they are fighting for this right. But still in India, there is no such concept of marital rape, at least in procedure, at least in laws currently. There is no such concept of marital laws. That if a woman is maritally raped, then she will be like, usse koi nyay milna chahiye. So, wo abhi India mein lacking hai, jiske liye bahut sari feminist organizations iske liye apna adhikar mang rahi hai, but still, abhi isko law nahi banaya gaya. We have rapes, but we do not have marital rapes. Okay, so we have one last question which we would take from Ramita before we wind up. Ramita, you had another question? Can we ask that? Ramita has lots of questions today. Dr. Helena, I just wanted to ask one more question. Whenever anyone in court is asked about marital rape, the only reason they gave is that marriage is a very important thing. Marriage is a submission. It is considered as a submission. Yes, marriage is an institution which needs to be protected according to laws of society, and etc. But on the other hand, we also have something in law which says that human rights prevail or above anything. So if we see marital rape from a psychological perspective, there is a basic concept of a person's inner safety. A whole scientific thing, reasoning comes behind it, where once a person is raped or once a person's space is being attacked, they lose their inner peace, they lose their mental capability. So it not only causes physical assault, it also causes a lot of mental problems. So why does law not go through that route? Well, that is a matter of lawlessness, I must say. और इसी के लिए बहुत सारे organizations लड़ भी रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे feminist organizations इसके लिए लड़ रहे हैं. Human rights वाले भी इसमें involved हैं. They are also into it. वो भी इसके लिए लड़ रहे हैं. But still, ये depend करता है कि जब आपकी शादी हो गई है या आप एक marital रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो उसमें ये भी depend करता है कि आपके साथ rape किसने किया है. या for example, ex के साथ rape अगर family का कोई भी बंदा है, XYZ. So that will be treated under section 375 ke andar wo aa jayega, and then 376 se uski punishments aur penal codes penalties lagna shuru ho jayengi. But if that particular person is husband, so that is a lacuna which we face in our penal code. Wo abhi bhi pareshani ka sabab hai. Husbands ko yahan par as a rapist nahi treat kiya jata for a wife India mein. Aur iske liye we are fighting. Aapko pata hai, main baar baar is cheez ko mention kar rahi hu ki ye abhi law mein nahi hai. We do not have any penalty for such an offense for husbands, right? और इसमें अभी time लगेगा जब तक इसको हम लोग proper procedure में ले आएंगे. So yeah, doctor, for us, right? How long do you think that this law will how come? How long? It's a legal procedure. Yeah, but I mean, of course, it takes I know time. The technicalities, but I mean, see, we brought the 2018. A law for government is not serious about it, I must say, because government is making many laws. Ek din mein aap law bana dete hain, agle din aap usse uska compliance kara dete hain, sab kuch ho jata hai, aapka law implicate ho jata hai. Agar government is marital rape ke case pe bhi serious ho jaye, to bilkul ek hafte ke andar law banega aur agle hafte se aapka implement ho jayega और कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी. बट आई थिंक इसको लेकर पीपल हु आर ऑन सच अ पोजीशन, जो ऑलरेडी पोजीशन पर हैं, जो लॉ मेकिंग करते हैं, जो इसमें पॉलिसी मेकर्स हैं, दे आर नॉट टेकिंग सीरियस इंटरेस्ट इनटू दिस मैटर. यस, दैट्स दैट व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट. अदरवाइज इट वुड बी अब तक ये आ गया होता. वी ऑल एग्री ऑन दिस पार्ट. यू वन हैव टू, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. डॉक्टर शुची, वी हैव टू लुक अप टू देम. And they are not interested into it. That's absolutely correct. And thank you so much, Dr. Rahila, for
My pleasure. And guiding students on one of the very important things generally has been ignored and not talked about. You did bring the disaster aspect in terms of women in law and the aspects where women are really not able to move out of their own boundaries. The confinements. Women are something, I must tell you ki ye aisi hoti hai, they are in their own confinements. They have made their confined space by themselves. Unko khud usse bahar nahi nikalna hota. और जब उनके साथ कुछ चीजें होती हैं तो उनको लगता है कि वो बाहर कैसे निकले, वो कभी बाहर नहीं निकली है। हमारे स्टूडेंट ने भी मॉड्यूल 1 में देखा कि कैसे सोशलाइजेशन और स्टेरियोटाइप काम करता है, जो इनवॉलंटरली वुमेन को भी उसको फॉलो करने के लिए मजबूर करता है, वुमेन और इन टर्म्स ऑफ एनी जेंडर। So thank you so much, Dr. Rahila, for your pleasure. My pleasure. The students so well, and I'm sure there were many. Thank you. We have extremely intelligent students here, I must say. I must say too. They are really intelligent and they have this keenness. They have this eagerness to know ki ye kab hoga, ye kab hoga. Right. So hum sabke effort se hoga. We are working on marital rapes, and which is very important issue. And we are also working on disaster laws in our country. And hope bahut jaldi hoga. And by the time, I would like to recommend Alex Jacob ki ek book hai. Main ise likhkar lai thi ki main aap sabko bata dungi. This is a very interesting book by Alex Jacob on disaster management towards legal framework. कि हम उसे लीगल फ्रेमवर्क में कैसे ढाल सकते हैं अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को. तो आपके पास टाइम हो तो आप लोग इसे पढ़िएगा. यू विल गेट मच मोर इन्फॉर्मेशन ऑन डिजास्टर्स एंड लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया. सो वी विल ट्राई टू शेयर दैट विद स्टूडेंट्स. सो थैंक यू. श्योर, इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट. एंड द स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू कम बैक गैदर हियर आफ्टर द ब्रेक एंड वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरेक्शन फ्रॉम 4 PM. That is on gender power and authority from 4 to 5, and and religion, identity, politics and gender from 5 to 6. I request all the students to reassemble and be here in good numbers, because these sessions are very important for gender studies. Thank you very much, everyone. Thank you, Dr. Rahila Sikandar. Thank you, Shuchi, and thank you, FDD and the Mata Sundari College for including me in this year, in this program. Very interactive and very good program of yours. It's a really nice effort. A great idea to be executed. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you. Assemble at 4 with the same link. And same password. You may leave the meeting now. Thank you, everyone. Okay.